बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज, और व्लॉग का आगाज करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज। अच्छा जी, भाई जुबैर और भाई उस्मान वो दोनों बाजार जा रहे हैं, मुझे कुछ सामान चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, तो कह रहे थे कि आप जी हम ला देते हैं आपको। अबू जी तो नहीं जा रहे क्योंकि छोटी मोटी चीजें जो है ना वो यही दोनों ला के देते हैं। तो अभी ये अब भाई फिर जुबैर जो है ना, अच्छा जी वेदे पे बाजार जुलो भाई जुबैर जो है ना बाइक स्टार्ट करके बैठे हुए, तो चलो जाओ तो ध्यान। अच्छा मौसम जो है ना, चलो आ लो। हां जी मौसम ठंडा ही, बस उत्ते बहना ही, हुड्डा ही लेना, कपड़ा कितो मारना। चलो अच्छा कोई नहीं, हैवी बाइक है मेरे अबू वास्ते, हैवी बाइक ही है, समझ आई? हां जी ती प्यो दी ते प्यो ती दे ही है हरनल, समझ आई? हेलो अपना फोन ले जो। अच्छा ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया है, और अंकल जी को गो जो है ना बोनस ला के दिया है, तो वो अभी कीमा कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और भी सामान लेना था, मिर्चे वगैरह ये है वो भी ले लेते हैं जी, सारा सामान पैक करवा के लेते हैं। देखिए जी कीमा हो गया, अच्छा जी मैंने कुछ चीजें मंगवाई थी भाई जुबैर और भाई उस्मान से, तो ये लेके आए हैं शवरमा बनाने का सामान, मतलब शवरमे का सामान लेके आए हैं, तो भाई जुबैर भी मेरे साथ चलेंगे, तो बाकी मतलब ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने बाजार से बने बनाए भी मतलब लिए मंगवा लिए थे, लेकिन फिर भाई जुबैर कह रहे हैं कि अपने हाथ मेरे घर पे खुद ही बनाएंगे, तो ये पेपर लेके आए हैं और साथ में साइलेंट है। ओ खोलो भाई जुबैर, मायोनीज सबसे पहले मायोनीज भाई जुबैर खोलने लगे, केचप जिसके साथ लगा खाएंगे ना, और ये है चिकन कीमा, ये रेडी करवा के लाए थे, इसको अभी मतलब इसका ना अभी इसको सेट करने वाला बाकी है, तो बोनलेस मतलब जो गोश्त काट के देंगे बोनलेस, तो इसको अच्छे से फ्राई करूंगी, मतलब हल्का हल्का फ्राई करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। और बाकी ये वाली चपाती का रोटी ये भी लेके आए थे, इनको भी मतलब हल्का गर्म करेंगे। ये फर्स्ट टाइम जो है ना मैं बना रही हूँ, मतलब पहले तो मैं घर पे खुद ही मैदा मंगवा के मैदे की रोटी बना के, तो फिर मैं खुद ही भाई उस्मान को आके जो है ना मतलब बना के देती थी शवरमा घर पे ही, तो कीमा भी मैंने खुद ही फ्राई करना, लेकिन आज पहली दफ़ा जो है ना वो मैंने ये सारी चीज़ें, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी इसलिए फिर मैंने बाजार से भाई उस्मान कह के आप जी कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ चीज़ बना के तो फिर भाई उस्मान बोल रहे थे कि आप जी कोई चीज़ बना के दें, तो इसलिए फिर मैंने बाजार से ये मंगवाए हैं, तो इनको हल्का हल्का करेंगे गर्म, इनको इसमें थोड़ा सा पहले गर्म कर लेते हैं,
बंद गोभी अलहदा भी लेके आंदी है, थोड़ी पै गई ये 12 स्लाइस जो है ना फ्राई के पैर लेके आए, तो पैर के साथ जो ये एक एक सर्व में एक एक स्लाइस है ना इसका। हां जी, और एक भी ला के। हां जी, अब ये भाई जबैर जो है ना मेरी हेल्प करेंगे। बस मैं से मैंने बोला तो कह रहे नहीं आप जी, आप लोग बनाए, बस मैंने खाना है। ये मतलब आज ही मान नहीं देना, एक ही दो हो जाने ना, दोस्त वगैरह लगा देना ओना चला दे। जो करनी है ना रोटी उत्ते तवे ते फ्राई, ये थोड़ी जमाइन नहीं ला के फिर करनी। अम्मा किथे कढ़ाई? कढ़ाई पहला ले आओ, ओदे विच गोश्त थोड़ा जोर ता कर कढ़ाई। केड़ी पकौड़े वाली की दूसरी? हां जी, ए ठीक है। हां जी, चार हुंदी है। हां जी, माशाल्लाह। मैं वशां दी अम्मा ते इंतजार, अम्मा ते इंतजार पनी ना। बस हल्का फ्राई बाकी त्यार सारा कीता है। मैंने बोला था बजबैर कीमे में आप मुझे फ्राई करवा के लेके आना ना कीमा, तो उसमें ये काम डलवाना, इसलिए फिर उन्होंने साथ में जो है ना वो एक पैकेट में डाल के दी है। ये बहुत तीखी है। ए वो ना फिर 50 शवारमे बन बनाई है ना, उन्हें दी इतनी लगती 50 शवारमे वाली ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਲ ਕਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੈਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਆਵਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ बस गर्म ही कर लो हाला कोई ले लो बोल दी दे विच कट कट दे फिर मैं खेल रहा कर रहा या कढ़ाई से मेथ ले रहा कढ़ाई से नाले वो फिर सारे जने ना मसाले वगैरह लगा के दंदे नहीं ये उना ते एको ए दे विच ओ आ दे ना 18 आइटमा जेड़ियां ना मसाला जेड़ा मसाला उना रतिया मिर्चा सारा कुछ कीता हुंदा ना 18 आइटमा आ दे ना ते दे विच पांदे हां ता बन दी फिर उना विच भी घंटे दा काम जी हां जी बस आपी इन्ने ही ला लो बस के गर्म ही करना सी कोड़ी बस ध्यान अभी तवा फड़िया जरा मुड़िया नहीं होंगे अद्ध हो गई मेरी हेल्प हुल्प कोई हो कैमरे तो कोल खड़ो बस कैमरा पकड़ो ओ भाई जरा स्कैन कर उतार लो ना फिर बस मान पकड़ लेंगे कैमरा की अरे जी हल्का सा मैंने इसके ऊपर घी लगाया था वैसे ऊपर हां ऊपर चटनी इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी लगाएंगे मायनीज बस हल्का से इसको करेंगे फ्राई हल्का से गरम करेंगे इसको
फिर हूं घुमाओ दूसरी तरफ आंटी एक चम्मच दे दो केड़ा छोटा कि बड़ा छोटा कि बड़ा की बात जेड़ा भी ले आओ हुन इनू हाथ काओ सारी नु मार दे इतना तो दो सब चेंज हो गए हां से कर दे सकते हो चम्मच दियो हुन उतार के ना मैं आप मिर्चा मैं थानू दसना किनिया खानी है पहले थले वर्क रख लो बस बैर काल ना करो पहले वर्क रख लो नहीं नहीं पूरा ही पूरा ही पूरा ही होना है ऊपर बंद गोभी बंद गोभी और खीरे थोड़ा पेपर नु फड़ो ना ऐसे करेंगे फोल्ड और एक साइड को ऐसे छेती बना में मोज पानी पे हमना चाहिए सारे बन गए ना तो फिर बाद इस ठीक है ना दो बन गए नेट दे जो अच्छा जी ये हो गया फोल्ड ऊपर इसको ऐसे वो रोड़ी दे लेते हैं हाँ उन दसों की नेट ना बिहार एक मोज है ना वो हमारे तैयार हो चुके जी शुरुआत में भी हमने बना लिए हैं और अभी बस भाई दोपहर का वेट हो रहा है और लाइट भी नहीं है तो देखे कितनी मोबाइल फोन की कॉल आ रही है तो मैंने कहा हाँ जी उनकी वहाँ पे ना आंधी आई हुई है इसलिए तो वो ना भाई सामान से बात कर रहे हैं तो बारिश माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है ठंडा मौसम हो गया जी भाई हाँ जी बारिश तेज है बहुत तेज बारिश है काफी देर बाद बारिश इतनी देखी है हमने हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करते हैं फिर बारिश को वहाँ पे तेज आंधी लेकिन यहाँ पे तेज हवा के साथ आपको पता है कि कितने डिब्बे और इतनी गंद उड़ी है ना क्या ही बात है अच्छा जी शाम हो चुकी है खाना मुझे ने शाम का बना लिया है और अभी अम्मी जी चाचू गफार आके बैठे हुए हैं उनके लिए चाय बनाने लगी हैं अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी ये देखें पीछे बादल गरजने की आवाज़ आ रही है अभी भी बादल बहुत ज़्यादा है तो मैं दिखाती हूँ बारिश अभी भी हल्की 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 बारिश जो है ना वो भी हो रही है मैं एक जूम करके दिखाती हूँ आपको ये देखें यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी जो है ना वो जमा हो गया है देखें सारे एक दफ़ा सारे दरख्त जो है ना वो धुल गए हैं जानवर अभी खा रहे हैं चारा क्योंकि गर्मी दोपहर को बहुत ज़्यादा थी अभी अभी मतलब माशाल्लाह से बारिश हुई है तो मौसम ठंडा हुआ है उस साइड से दिखाती हूँ अम्मी जी बनाने लगी है चाय चाचू गफार के लिए अभी भी पीछे से बादल जो है ना वो गरज रहा है तो इधर से देखिए बादल वो सामने मामू
आ रहे हैं। कितना प्यारा शाम का व्यू है ना वो नजर आ रहा है। अच्छा जी शाम हो चुकी है, सारे मेरे सामने जो तैयार कर रही है, चाची जी का भी बिजी है, तो माशाल्लाह से मौसम बहुत जबरदस्त है बाहर बाहर के लिए। बड़ी अल्लाह ने दामत की थी। हां जी बदल रहे थे तो आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे हो रहे हैं तो सारा तो हो गया। हां जी माशाल्लाह मौसम बहुत जबरदस्त है बाहर, इसलिए फिर बारिश से जो है ना वो चेयर बैठे बैठे हुए थे। वीडियो के हम यही भी कहते हैं कि हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, हमें दीजिए जल्दी वीडियो लॉग या रेस्ट कर सकते हैं।